1914 से 18 के बीच में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1939 से 45 के बीच में हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पर क्या आपको पता है आज से 24 साल पहले 1995 में वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था कि अब तक जो भी लड़ाइयां हुई है वो तो तेल के लिए या न्यूक्लियर वेपन के लिए हुई है, पर फ्यूचर में जो भी वॉर्स होंगी वो पानी के लिए होंगी, वो वाटर डिस्प्यूट्स होंगे। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडस वाटर ट्रीटी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी रीसेंट कंट्रोवर्सी है, जो भी रीसेंट डिस्कशन है उसके बारे में। तो 14 फरवरी को हुए पुलवामा अटैक के बाद 21 फरवरी को इंडिया के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर नितिन गडकरी ये ट्वीट करते हैं। अब इस ट्वीट के इन दो लाइनों को देखिए, पहला आर शेयर ऑफ वाटर, हमारे हिस्से का पानी, और दूसरा ईस्टर्न रिवर्स। अब इन दो लाइनों को और इस ट्वीट को समझने के लिए चलिए चलते हैं 1960 में, जहां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान वर्ल्ड बैंक की मदद से एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन करते हैं, जिसे कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समाधि। इंडस रिवर सिस्टम में 6 नदियां हैं, इंडस जिसे सिंधु भी कहते हैं, झेलम, चेनाब, रवि, प्यास और सतलज। वर्ल्ड बैंक ने इस वाटर शेयरिंग ट्रीटी के थ्रू इन 6 नदियों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले वेस्टर्न रिवर सिस्टम, जो कि पाकिस्तान की है, इसके अंदर आती है इंडस, झेलम और चेनाब। वहीं ईस्टर्न रिवर सिस्टम, जो इंडिया के हिस्से में आती है, उसमें है रवि, ब्यास और सतलज। इन 6 नदियों में टोटल 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी है, जिसमें से इंडिया के हिस्से आई ईस्टर्न रिवर्स में इसका टोटल 20% पानी है, वहीं पाकिस्तान के हिस्से आई वेस्टर्न रिवर सिस्टम में इसका टोटल 80% पानी है। जब हम ये ट्रीटी साइन कर रहे थे तो इंडिया को पता था कि इस ट्रीटी से पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा हो रहा है, फिर भी हमने ये ट्रीटी साइन की ये सोचकर कि इस ट्रीटी के बाद पाकिस्तान सिक्योर फील करेगा और इंडिया के साथ किसी भी तरह की हॉस्टाइल एक्टिविटी में इंगेज नहीं करेगा। ध्यान रखिए कि इस ट्रीटी के अंदर इंडिया को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वेस्टर्न रिवर सिस्टम, जो कि पाकिस्तान की नदियां हैं, उनका लिमिटेड यूज अलाउड है, उनका नॉन कंजम्पटिव यूज अलाउड है। इसका मतलब कि हम उन नदियों पे किसी भी तरह का स्टोरेज सिस्टम या इरिगेशन सिस्टम नहीं बना सकते हैं, पर अपनी बाकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में सबसे सक्सेसफुल ट्रीटियों में से एक है। वो इसलिए कि 2 देशों के बीच 4 जंग होने के बावजूद ये ट्रीटी जैसी की तैसी है, इसे वैसे ही निभाया जा रहा है। एक बार इस डाटा को भी देख लेते हैं तो इन 6 नदियों में पाकिस्तान और इंडिया दोनों को मिला के टोटल 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी है, जिसमें से ईस्टर्न रिवर्स जो इंडिया को मिली हुई है उसमें इसका टोटल 20% पानी है, 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी है। मतलब ये हमारा अलॉटेड कोटा है, पर आज की डेट में हम इससे कम सिर्फ 3.1 करोड़ एकड़ फीट पानी यूटिलाइज कर पा रहे हैं। बाकी जो भी 6-7% पानी बच जाता है वो जैसे का तैसा पाकिस्तान में बह जाता है। तो उरी अटैक के बाद और पुलवामा अटैक के बाद ये जो 6-7% पानी है, जो इंडिया के हिस्से का ही पानी है, जो वैसे ही पाकिस्तान चले जाता था, इस पानी को यूटिलाइज करने का प्लान बनाया जा रहा है। इस अनयूटिलाइज्ड पानी को इंडिया में ही यूटिलाइज करने के लिए 3 प्रोजेक्ट्स जोर शोर से चालू कर दिए गए हैं। तो ये थी इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसे ही रीसेंट डिस्कशंस और लीगल अपडेट्स पाने के लिए वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।